गियर्स लगा रहे हैं डायरेक्ट, अब 10B पेंसिल से करेंगे तो एकदम बहुत नहीं करना कि नीचे से ले आए, ठीक है इधर से स्टार्ट करेंगे, थोड़े से जो बाल यहाँ वहाँ बिखर रहे हैं ऊपर वो भी बनाए ऐसे, अब ऐसा नहीं कि बहुत ऊपर ऊपर तक बिखार दिया अपन ने, नहीं यहाँ पे ऐसे कर्व होते जा रहे हैं जो शेप बना रहे हैं ना अपना आईब्रो के इस तरीके से वो बनाया अपन ने, ऐसे पीछे से लाया आगे की तरफ, देखो जो नीचे वाले हैं ना वो भी हल्के हल्के 10B से अभी बना लो तो चेहरे पे आ रहे हैं ये बाल, ओके ये बना है, अब यहां से पीछे पीछे ले जा सकते हो बहुत आराम आराम से, इस तरीके से थोड़ा टर्न कर लो तो राइट हैंड इसको आसानी रहती है पीछे की तरफ स्ट्रोक्स लगाने में, बस एक बार ध्यान रखना फ्लो फ्लो में बहुत ज्यादा आगे नहीं निकल जाना, जितने अपना एरिया है स्पेसिफिक उतने में ही रहना है आपको, ठीक है ये हुआ अपने राइट आईब्रो सॉरी लेफ्ट वाला, अब राइट वाला भी नियरली सेम ही है इस तरीके से आएगा, स्टार्टिंग में थोड़ा इधर उधर बिखर रहा है फिर एकदम इसने जो पीछे डायरेक्शन पकड़ी यहां से जो अपन ऊपर की तरफ ले जा रहे थे थोड़े से स्ट्रोक्स हल्के हल्के वो दो 10B से, जो नीचे की तरफ है वो दो 10B से, ओके और इस तरीके से पीछे पीछे कर्व करते जाओ, याद रखना इसे शेड नहीं करना है, एक एक स्ट्रोक अच्छे तरीके से लगाना है ताकि जब ब्लेंड करो तो ऐसा ना लगे कि बस शेड भर दिया हो, ब्लेंडिंग के बावजूद भी अपन को स्ट्रोक्स दिखने चाहिए, इस तरीके से पीछे पीछे करते गए, पेंसिल को शार्प रखना, अगर ब्लेंड हो जाए दोबारा शार्प करो बीच में, कंटिन्यूसली ऐसे करते हो तो ये अपने आईब्रोज हो जाते हैं, क्या करना है बस हल्का ब्रश लो इस तरीके से धीरे धीरे चलाओ, यहाँ पे चलाया धीरे धीरे और ये हो गया, ओके इस तरीके से आईब्रोज हो जाते हैं, क्या करना है इस तरीके से 8B पेंसिल से आउटलाइन दो इसे, ठीक है प्रेशर के साथ देना है ऐसे शेड नहीं करना है अपन को, आउटलाइन दे रहे हैं अपन, सेम चीज 8B यहां पे करेंगे, आईज में अच्छे तरीके से डेप्थ होनी चाहिए एक बात का ध्यान रखना, अभी ब्लेंड नहीं हुआ तो अभी कर लो, ओके फिर जो नीचे वाला रिंकल आते हैं इस तरीके से, अब क्या करूं मैकेनिकल पेंसिल लो और मैकेनिकल पेंसिल से जो थोड़े थोड़े और रिंकल्स से आ रहे हैं बहुत लाइटली लाइटली नीचे नीचे ऐसे कर्व से बना लो, ओके फिर क्या करना है फिर 10B पेंसिल वापस लो, आगे से ये एरिया देखो ऊपर का थोड़ा मोटा है उस तरीके से अपन ने ये किया, बहुत ज्यादा मत करना, छोटे छोटे ऐसे आईलैशेस बनाने स्टार्ट करें, बहुत ज्यादा नहीं भरते अपन मेल स्केचेस में इस तरीके से, ओके थोड़े से, अब 8B पेंसिल से अपन को कहाँ कहाँ शेड करना है बहुत लाइटली, 8B को अपन बहुत लाइटली शेड करेंगे यहाँ पे बॉर्डर बॉर्डर पे अंदर की तरफ लाइट करते हुए, तो नीचे वाला पोर्शन आता है 8B को बहुत लाइटली यूज करना है अपन को क्योंकि अपन 6B की डार्क लेयर दे चुके हैं, यहाँ पे करा थोड़ा बहुत यहाँ पे किया, नीचे ले जाते से थोड़ा ब्लेंड कर दो ताकि ऐसा ना लगे कि एकदम से कोई डार्क लेयर कर, अब क्या करना है ब्लेंडिंग स्टंप लो, तो पहले तो जो लाइंस बनाई थी उनके ऊपर चलाओ, ये फिर यहाँ पे फिर फेस बॉर्डर पे ऐसे धीरे धीरे चलाते हुए आगे लाए, फिर आईज के सराउंडिंग में ओके, इसके बाद एक चीज और करना है रुक जाना अभी 8B पेंसिल से यहाँ है जो इसको हल्का हल्का शेड करो थोड़ा ऊपर ऊपर यहाँ पे, ओके हल्का हल्का लाइट करना
इसे ऐसे शेड करते करते ऊपर लाइट करना, ताकि ब्लेंडिंग स्टंप से अपन जब ब्लेंड करें इसे तो आसानी से हो जाए। ओके, और ये हिस्से थोड़े अपन को उठे हुए से लगे ये वाले, तो बस इतना ही है। यहाँ पे एंड एंड में थोड़ा ब्लेंडिंग स्टंप से ज्यादा करना, ताकि ये जो हिस्सा डार्क दिख रहा है ना अपन को वो अच्छे तरीके से डार्क दिखे। और ओवरऑल स्मूथ शेडिंग होनी चाहिए, ऐसे कोई रफ और पैचेस वाली शेडिंग नहीं होनी चाहिए। ब्लेंडिंग स्टंप बहुत केयरफुली अपना यूज करना, बाकी पूरा ब्लेंडिंग स्टंप को ऐसे आगे का एरिया भी ब्लेंड करने के लिए यूज कर सकते हो। इस तरीके से अपना लेफ्ट वाले पोर्शन हो जाता है। अभी इसमें बस अपन को हाईलाइट देनी है और थोड़े से और डिटेल देनी है मैकेनिकल पेंसिल से, तो इतना कर लो। देखो अब राइट वाले पोर्शन में करना है, तो राइट वाला पोर्शन भी नियरली सेम ही है, ठीक है। तो 8B पेंसिल ली, 8B पेंसिल से इसको आउटलाइन डार्क करी, ठीक है, यहां तक हल्का हल्का 8B से ऊपर ऊपर तक थोड़ा शेड किया, हल्का सा, बहुत लाइट किया। वैसा नहीं करना कि एक मोटी सी लेयर बना दो, वो नहीं करना, हल्का हल्का ऊपर ऊपर शेड किया हल्का सा। फिर टिप पे किया, यहाँ पे आई के आउटलाइन पे किया, इस तरीके से एकदम शार्प, हल्का हल्का सा ये जो आंखों के आगे कर्व है और हल्का सा ये जो ऊपर ऊपर अपन ने शेड किया था पहले 6B से, उसको थोड़ा और आगे आगे ब्लेंड करेंगे ऐसे शेड कर करके थोड़ा सा, बस बहुत ज्यादा नहीं करना कि ये बहुत ज्यादा डार्क हो जाए, बहुत लाइटली रखना है अपन को ये, ठीक है। फिर उसके बाद सर्कुलर शेडिंग करते करते, जैसे यहाँ पे अपन ने शेड किया था तो ये वाला हिस्सा बहुत धीरे धीरे शेड करेंगे ऐसे, ठीक है। फिर नीचे वाला पोर्शन आया, नीचे वाला पोर्शन देखो सेंटर में लाइट है, तो यहां से डार्क लाए, लाइट करते 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 यहाँ पे लाइट किया। फिर पीछे का पोर्शन देखो, ये थोड़ा ज्यादा डार्क है ऐसे, ठीक है, ऐसे थोड़ा मोटा मोटा सा भी है। और फिर ये वाला ऊपर का हिस्सा, नीचे का हिस्सा शेड किया, ठीक है, ये भी शेड करते गए। पीछे पीछे का हिस्सा भी थोड़ा थोड़ा शेड किया, देखो लाइटली कर रहा हूँ मैं, 8B ऑलरेडी बहुत डार्क है, अपन इसे और फैलाना नहीं चाहते, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा इसको शार्प रखने के लिए ऐसे मैकेनिकल पेंसिल से आउटलाइन दे दो, और जैसे अपन ने लेफ्ट आई में रिंकल्स बनाए थे ना, तो हल्के हल्के कर्व यहाँ पे भी बना दो, ये पीछे की तरफ इस तरीके से जा रहे ना कर्व, इन्हें एक्सटेंड कर दो और ये अपना काम हो जाता है। अब बस कुछ नहीं करना, ब्लेंडिंग करनी है। देखो मैंने क्या किया, पहले स्टार्टिंग में आउटलाइन दे दी, फिर जहां जहां अपन को इसमें दिख रहा है कि डार्क है, यहाँ पे आगे की तरफ थोड़ा ऊपर, तो वहां वहां मैंने 8B से हल्के तरीके से शेड किया। अब मैंने जहाँ शेड किया मैं उसे धीरे धीरे से सर्कुलर चलाऊंगा और ब्लेंड करूंगा, ऐसे धीरे धीरे कर्व करते करते भी आगे लाएंगे से, ये वाले हिस्से को ऐसे कर्व करते करते नोज की तरफ ले गए, पीछे का हिस्सा, फिर नीचे का हिस्सा आराम आराम से, बीच में थोड़ा सा छोड़ना है यहाँ पे हाईलाइट, यहां यहां पे किया पीछे, ओके। अब ब्रश लोग लेंगे अपन, और ब्रश से आराम आराम से और स्मूथ ब्लेंडिंग करेंगे, ठीक है, ऊपर वाले पोर्शन पे, यहाँ पे थोड़ा नीचे नीचे भी करेंगे हाईलाइट वाले पोर्शन पे, ताकि ये जो डेप्थ जो चाहिए अपन को वो आ जाए। और जैसे थोड़े आईलैशेस अपन ने लेफ्ट में बनाए थे, 10B से थोड़े से टिप पे शेड किया, बहुत छोटे, इसमें बहुत छोटे से आईलैशेस पीछे की तरफ जाते हुए भी एक दो बस इतने काफी है, ओके। जिसकी आयरिस में ढंग से शेड नहीं हुआ हो वो अच्छे तरीके से अपनी आयरिस में शेड करे, ओके, और फिर उसे भी ब्लेंड करे। इतने में अपना राइट वाली आई भी हो जाती है, बस एक चीज बचती है, ठीक है, जो आंखों में शाइन है वो कैसे देना है अपन को, व्हाइट जेल पेन लो, यहाँ पे देखो इस तरीके से दो डॉट्स हैं,
आराम आराम से। फिर दो डॉट्स दिए अपन ने, यहाँ पे भी देखो कंटिन्यूस तो नहीं है लेकिन जॉइंट है ये। इस तरीके से अपन आंखों में जो शाइन थी वो अपन ने व्हाइट जेल पेन से दे दी, तो अपना जो आईज वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। जो 10B पेंसिल है अपन नोज के लिए कर रहे हैं, तो नोज की जो नॉस्ट्रल आ रही है 10B को अच्छे तरीके से वहां करो ऐसे, ठीक है? ये कर दिया। अब जो नीचे शेडो वाला पोर्शन है उस पे नीचे 8B से शेड करो ऐसे, ठीक है? पूरा ऐसे भरना नहीं है, शेड करना है ये, बहुत आराम आराम से, बस इतना काफी है। ब्लेंडिंग स्टम्प से ये नीचे वाला एरिया जो है ये शेड अपन ने ब्लेंड किया, और ये शेडो वाला ब्रश से, तो शेडो वाला क्या है थोड़ा फैला भी सकते हैं अपन मूंछों के डायरेक्शन में, आसपास नहीं सिर्फ मूंछों की डायरेक्शन में ऐसे फैलाओ। एटवी से ये शेडो वाला बहुत लाइटली करना, ऐसे भर भर के नहीं करना अपन को, ठीक है? ये जो अपना ने पहले के हर लेयर में करते हुए आ रहे थे वही सेम चीज की। अब ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है? ये जो पोर्शन है अपना रोज वाला, ठीक है, अगर ये अपने डिफरेंस में देखें तो ये जो पोर्शन नीचे का आ रहा है ऐसे यहाँ पे इतना डार्क, तो वही चीज है। 8B पेंसिल ली, यहां साइड से हल्का हल्का शेड करना स्टार्ट किया, ठीक है? धीरे पतले से लेके हुए आए, ये पूरा कर्व बनाना है एक हल्का सा 8B से, बहुत लाइटली, बहुत लाइटली सिर्फ तुम्हें दिखे इतना सा कर्व बना दो, ठीक है? अब उसके कर्व के थोड़े नीचे से शेड करना छोड़ देना, जैसे यहां से शेड करना स्टार्ट किया कर्व ही है तो थोड़ा सा छोड़ देना ताकि बीच में जो ब्लेंडिंग की जगह है वो बनी रहे, पता चला अपनी नाक थोड़ी छोटी हो गई। यहां से शेड करना स्टार्ट किया, ये लेफ्ट वाला जो नॉस्ट्रल है उसे हल्के हल्के से शेड किया 8B से। अब ये वाले पोर्शन को अपन ऐसे वर्टिकली शेडिंग दे रहे हैं, ये से शेड करते हुए ऊपर ले गए, फिर ये वाला पोर्शन आता है, ओके? बहुत आराम आराम से करना है ऐसे, ऐसा नहीं कि बहुत मोटा हिस्सा कर रहे हैं अपन, बहुत आराम आराम से। इसके बाद क्या, हल्का हल्का जैसे अपन ने लेफ्ट साइड किया था थोड़ा सा यहाँ पे से आउटलाइन दी और इसे हल्का सा शेड करते हुए ऊपर ले गए, बहुत हल्के तरीके से, ठीक है? जिसका डार्क हो रखा हो वो मत करना, सिर्फ ब्रश चलाना। ब्लेंडिंग स्टंप लेंगे अपन, नोज ब्लेंड करी, ठीक है? ये वाला जो पोर्शन है बहुत आराम आराम से करना, बहुत दूर तक नहीं ले जाना, सिर्फ इतने जो एक पर्टिकुलर शेप बन रही है, ठीक है, ये शेप बनाना है अपन को, और ये हो गया, ठीक है? अभी अजीब सा लग रहा है क्योंकि क्या है, अंदर और डार्क है, ठीक है, अंदर और डार्क है। उसके लिए क्या करेंगे अपन, 4B की एक लेयर देंगे, कहां, इसके ऊपर ऊपर ऐसे, तो धीरे धीरे मैं 4B की एक लेयर दे रहा हूं, यहां पे भी सेम चीज 4B की एक लेयर, अब इसको भी ब्लेंडिंग स्टंप क्या है, पहले थोड़ा साफ कर लो इरेजर पे ऐसे घिस के, ताकि वो जो 8B अपन ने अभी किया है वो ना रहे, थोड़ा साफ हुआ। अब 8B ये है, 4B ये है, आराम आराम से 8B और 4B के बीच में ऐसे ब्लेंडिंग करो, ठीक है? इस पे मेजॉरिटी अपन को ब्रश चलाना है, ब्रश चला चला के स्मूथ करना है, ओके? बीच में जो हाईलाइट छूटा हुआ है ये लंबा सा, उसे बहुत ज्यादा नहीं फिल करना, हल्का सा रहना चाहिए, ठीक है? इस तरीके से चलाते रहो ब्रश। अब बस एक चीज बचती है, जैसे अपन ने आंखों में हाईलाइट दिए वैसे इसमें, लेकिन इसमें उससे नहीं देंगे, उससे क्या कहते हैं व्हाइट जेल पेन से, मोनो जीरो इरेजर दो और ये वाला देखो इस सब, ठीक है? ऐसे ऐसे डॉट 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 लाइन पॉइंट रखते जाओ, ऐसे एक बार में पूरा एरिया नहीं इरेज करना है, ये वाले में ऐसे डॉट 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 डॉट
पूरा ऊपर तक भी नहीं ले जाना है, इस तरीके से एक छोटा सा एक एरिया रखना है, उसके आसपास थोड़े से लगा दो, बस लंबे में रहना चाहिए और पतला, ऐसा नहीं बहुत मोटा एरिया कर दिया, इस तरीके से ओके। उसके आसपास थोड़ा अगर गड़बड़ हो जाए तो ब्लेंडिंग स्टंप से सही कर लो, और ये अपना हाथ मोस पे जो हाईलाइट आ रहा है ठीक है वो भी आ जाता है। इस तरीके से अपन ने मोस भी कंप्लीट कर ली, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ठीक है, सिंपल है, बस स्टेप बाय स्टेप कर। एचबी पेंसिल से स्टार्टिंग कर रहे हैं लिप्स की अपन ओके, तो धीरे धीरे शेड करना, बहुत ऐसे भरना नहीं है अपन को। पहले आउटलाइन हल्का हल्का ऐसे शेड कर लो ताकि एक आइडिया हो जाए। अब अपन अगर फोन में एक इमेज देखो थोड़ी, तो ये बीच का हिस्सा थोड़ा लाइट है, ये पीछे पीछे यहाँ पे डार्क हो गया, कहाँ पे ये यहाँ पे मिक्स हो रहा है ऐसे इसके साथ ठीक है, और ये यहाँ पे मिक्स हो रहा है इसके साथ, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बीच में है, तो वो अपन छोड़ने की जगह अपन अपनी मैकेनिकल इरेजर से बना लें। तो अभी तो क्या है, कंटिन्यूसली एचबी पेंसिल से पूरा शेड करो। देखो एचबी पेंसिल से डायरेक्टली करना जरूरी नहीं है, 2B से 4B से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन एचबी से अपन इसलिए कर रहे हैं ताकि एक अच्छा खासा बेस सा बन जाए। अभी एक एचबी करने से क्या होगा, ये ऊपर से मिक्स हो जाएगा, तो हल्की सी आउटलाइन जो है लिप्स की हल्की सी वो ड्रॉ कर लेना और इसे फिर ब्लेंड करो। ओके सेम चीज लोअर लिप पे करेंगे, लोअर लिप पे थोड़े टेक्सचर के लिए एक काम करो, वर्टिकल में जो शेडिंग रहती है ना इस तरीके से वो करो थोड़े थोड़े गैप के साथ, उससे क्या होगा लिप्स जो है थोड़े टेक्सचर के साथ दिखेंगे आप। अक्षत अपर लिप ये लाइन का क्या बताया, इसको भी ब्लेंड करेंगे अपन अच्छे तरीके से। अब 2B पेंसिल स्किप करो, 4B पेंसिल पे आओ डायरेक्ट, और 4B पेंसिल को जरा अच्छे से यूज करना है। तो यहाँ पे धीरे धीरे, पहली बात तो जो नीचे अंदर का पोर्शन है दांतों के आसपास का, ये इधर पे भी करा और 4B ऊपर भी करा, तो 4B पहले नीचे बॉर्डर बॉर्डर के पास कर दो ऐसे धीरे धीरे ठीक है। एक इफेक्ट तो ये चाहिए कि अपन को डार्क टू लाइट ऊपर जाना है, यहाँ पीछे की तरफ आते गए हल्का हल्का ऊपर करा, ये डार्क था इसे हल्का हल्का ऊपर किया, हल्का हल्का ऊपर किया, हल्का हल्का ऐसे ऊपर किया ठीक है। ये अंदर अंदर का जो पोर्शन है यहाँ देख सकते हो, ये टंग दिख रही है अपन को यहाँ पे और यहाँ पे, तो क्या करेंगे अपन उसको छोड़ के बाकी सारे सराउंडिंग में ऐसे शेड करो ठीक है, यहाँ पे भी फिर जो लोअर लिप है इनको भी 4B पेंसिल से ऐसे वर्टिकली शेड करो। ठीक है अपर लिप और लोअर लिप ब्रश से ब्लेंड कर लो, और जो ये अपन ने अंदर माउथ के अंदर किया है इसे ब्लेंडिंग स्टंप से ब्लेंड करो ठीक है। फिर इसके बाद अपन 6B करेंगे, मेन चीज वो रहती है, जब इसे ब्लेंडिंग स्टंप से ब्लेंड करो तो जो ग्रेफाइट इसमें इकट्ठा हो रहा है वो अंदर अंदर भी करते जाओ, यहाँ पे टीथ पे नहीं आना चाहिए, दांतों पे नहीं आना चाहिए अपना कुछ भी शेड। ओके इस तरीके से अपन ने शेड कर ली दो लेयर्स, तो पहले इतना कर लो। तो लिप्स का पोर्शन अब बाकी का जो है अपन 6B से करते हैं। तो यहाँ देखो लोअर पोर्शन इधर साइड साइड में शेड करेंगे, अब अपन बहुत स्मूथली करना है अपन को ठीक है। पहले अंदर अंदर हल्का डार्क करेंगे इसे, देखो दांतों में के अंदर नहीं जाना चाहिए ये बिल्कुल भी, जहां अपन ने टंग वाले पोर्शन तक करा था वैसे ही करना है, बाकी इसे भी ब्लेंडिंग स्टंप से ब्लेंड कर करके सेम चीज यहाँ करेंगे।
ठीक है, ये ज्यादा डार्क रहेगा, जो नीचे शेडिंग हो रही है ये थोड़ी लाइट रहेगी, इस तरीके से किया। साइड साइड में डार्क रहेगा, ये भी साइड साइड में डार्क रहेगा, ठीक है। डार्क इन द सेंस ही नहीं कि बहुत घिस रहा है, बस नॉर्मल, जितना ये बगल में शेड दिख रहा है उतना ही, ठीक है। सेंटर में आते आते थोड़े से लाइट हुए हैं, यहाँ पे अच्छे तरीके से शेड करना ताकि ब्लेंडिंग भी स्मूथ हो अपनी। और नीचे नीचे की तरफ थोड़ा करना, क्योंकि अपन को हाइलाइट्स थोड़े ऊपर वाले पोर्शन में देने हैं। सेम चीज यहाँ करेंगे, ये डार्क पोर्शन है। अब देखो ये जैसे डार्क है पूरा, यहाँ पे किस तरीके से जा रहा डार्क, ऐसे एक लाइन खींचोगे स्ट्रेट, ये पूरा पोर्शन डार्क है। इसे अच्छे तरीके से अपन थोड़ा ज्यादा डार्क करा, और फिर बाकी का जो लिप्स है उन्हें आराम आराम से लाइटली लाइटली शेड किया। ठीक है, अब ये थोड़ा बहुत अजीब सा लग रहा है लिप्स के अब यहाँ पे हल्का हल्का सा शेड कर देंगे अपन टंग वाले पोर्शन में, ताकि ग्रेफाइट रहे अपने पास वहां पे। अब इसे ब्लेंड करेंगे, तो ब्लेंड करने के लिए ब्रश यूज कर सकते हो, मैं ब्लेंडिंग स्टंप यूज कर रहा, ठीक है। यहाँ पे डार्क पोर्शन कर दिया ब्लेंड, और उसके बाद अंदर अंदर एक टंग वाला पोर्शन करेंगे। फिर ये लिप्स वाला आता है, तो लोअर लिप्स वाला पोर्शन मैं ब्लेंडिंग स्टंप से कर रहा हूँ ऐसे। ठीक है, अपर लिप्स वाला पोर्शन भी मैं ब्लेंडिंग स्टंप से कर रहा हूँ ऐसे। अभी अपन इसमें पहले थोड़े हाईलाइट देते हैं, उसके बाद इसमें कुछ और डेप्थ ऐड करनी होगी तो वो करेंगे। ओके, तो अभी इतना ठीक है, इतना करो, अपन इसके बाद इसमें डेप्थ हाइलाइट्स देते हैं, ठीक है। तो अब अपन ने 8B पेंसिल अब थोड़ा शार्प कर लेना, कि अंदर अंदर वाला जो पोर्शन है अब, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर लाइनिंग जाएंगे, यहाँ पे जो मसूड़े आ रहे हैं ना अपने गम्स, 8B हल्का हल्का इन्हें पे शेड करेंगे, ठीक है। 8B ऐसे ऊपर ऊपर हल्का सा शेड करना है अपर लिप पे, बस यहाँ यहाँ पे भी आएगा थोड़ा, इस तरीके से रहेगा। हल्के से ड्रॉ करना आउटलाइन, आउटलाइन कोई भी डार्क नहीं करना है बहुत ज्यादा, ठीक है। ये पीछे का हिस्सा रहेगा ऐसे अपर लिप का, तो ये भी शेड रहेगा, और ये बाहर की तरफ आते आते लाइट होगा, मतलब यहाँ पे ये देख सकते हो पूरा एरिया ऐसे डार्क है, तो ये डार्क ही करना है अपन को, इसे शेड करेंगे, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पे आएगा, तरीके से नीचे नीचे का पोर्शन थोड़ा सा शेड किया। ओके, बस इतना काफी है अभी अपने लिए। तो ये एक चीज तो ये हुई, जहां जहां पे भी शेड किया वहां पे ब्लेंडिंग स्टंप चलाओ। ओके, इतना ठीक है। अभी मैं मान रहा हूँ थोड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि इसके आसपास और डेप्थ होनी चाहिए जो मूछे हैं, तो रुक जाओ। अभी ब्रश लो, तो ब्रश ऐसे नीचे से चलाते हुए थोड़ा दांतों पे ले जाओ, ठीक है, कि दांतों में जितना शेड चाहिए अपन को अच्छा खासा, ये इतना मिल गया, ठीक है। जो साइड साइड में दांत है जैसे ये, इस पे हल्का हल्का ब्लेंडिंग स्टंप चलाओ ताकि इनमें और ग्रेफाइट है। यहाँ पे जो दांत है, ठीक है, इसको थोड़ा और डिटेल बनाना, इस तरीके से। तो ये पीछे का दांत ऐसे पूरा कंप्लीटली डिसअपीयर सा हो रहा है, तो इस पे भी अच्छे तरीके से ब्लेंडिंग स्टंप चलाया, इस वाले पे हल्का सा चलाया, यहाँ पे एक साइड में, साइड इन द सेंस क्या होता है, ये जो साइड दिख रही है ना शेडेड पोर्शन, मैं बताता हूँ शेड करके, ये शेडेड पोर्शन है जो पूरा दिख रहा है,
ठीक है, ये वाला, ये आगे के पोर्शंस में कुछ नहीं करना, हल्का हल्का ब्लेंडिंग स्टम्प चला दो ताकि और अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाए। ये दांत तो मैं शेड तो हो गया, हाइलाइट्स बचा है अभी पूरे में, तो पहले इतना कर लो फिर हाइलाइट्स वाला। तो हाइलाइट्स के लिए अपनी मोनो जीरो इरेजर ले लो, या फिर जो अपनी मैकेनिकल इरेजर रहती है उसे शार्प कर लो आगे से। तो क्या करना है, जैसे दांत है, दांतों पे करें अगर अपन, तो यहाँ पे देखो ये तो थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा है अपन को, फिर ये ऊपर ऊपर की तरफ दिख रहा है, फिर यहाँ दिख रहा है, फिर थोड़ा सा यहाँ पे, इस तरीके से हाईलाइट हुए। अब हाईलाइट के साथ थोड़ी सी डेप्थ भी है, जैसे इसमें दांतों में देखो, इन दोनों में ऊपर ऊपर डेप्थ है ऐसे, यहाँ हाईलाइट्स का अपर लिप में ऐसे बहुत ज्यादा नहीं है। ये वाला पोर्शन देखो थोड़ा सा यहाँ पे, कैसे लगाना है डॉट डॉट करके, ठीक है, एक बार में पूरा इरेज नहीं करना है, इसे धीरे धीरे डॉट डॉट करके। यहाँ पे देखो ये ऊपर वाले पोर्शन में ऐसे धीरे धीरे डॉट डॉट करके, बहुत रफ डॉट नहीं करनी, बहुत दूर दूर कर रहे, स्मूथली वो एरिया हट जाना चाहिए, बस थोड़ा सा दिखना चाहिए, हल्का सा, जैसे मेरे में हल्का सा दिखा। यहाँ नीचे वाले में हाईलाइट ज्यादा है, जैसे यहाँ पे पूरे में एक इरेज कर दिया इतना, ये ज्यादा दिख रहा है। फिर इरेजर पीछे पकड़ो और हल्का हल्का ऐसे इरेज करने पे आओ, हल्का हल्का, थोड़े थोड़े ऐसे वर्टिकल में भी आ रहे हैं, ठीक है। ये करने के बाद बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना, अपने मैकेनिकल पेंसिल लो और ऐसे बीच में थोड़ी सी लाइंस बनाओ, ऐसे थोड़ी थोड़ी बीच में से कर्व सी लाइंस बना दो। तो उससे क्या होता है, हल्का सा जो अपन को टेक्सचर चाहिए होता है वो भी आ जाता है और हाईलाइट भी मिल जाता है। तो इस तरीके से अपने टीथ कंप्लीट हो जाते हैं, ओके। लेकिन अभी भी अपन को थोड़ा सा पोर्शन यहाँ पे डार्क चाहिए ऐसे, इन दांतों के नीचे, और हल्का सा हाईलाइट ये जो टंग का दिख रहा है, ठीक है, वो इरेजर से ऐसे इरेज करने की कोशिश करो, ऐसे कर्व कर करके, ओके। बहुत ज्यादा मत करना, ब्लेंडिंग स्टम्प्स से सही कर सकते हो। सेम चीज यहाँ पे करना है, थोड़ा सा जो अपन ने यहाँ दिया था हल्का हल्का इरेज करना है, और फिर ऐसे भी ब्लेंड कर लो अच्छे तरीके से। दांतों की जिन आउटलाइन ऐसे बहुत डार्क सी नहीं देनी है, ना के बराबर ही दो, अगर रफ सी हो गई तो हल्का हल्का सा दो, ना बाकी सब तो ठीक है, इतना अपना टीथ वाला पोर्शन हो जाता है। अब बचता है सिर्फ मूंछों वाला और दाढ़ी वाला, यहाँ पे स्ट्रोक्स जो है 10B से स्टार्ट कर रहे हैं अपन, अच्छे तरीके से लगाना, थोड़े थोड़े लिप्स के ऊपर आ रहे हैं, सब नहीं आ रहे, कोई भी स्ट्रेट मत लगाना, पहले मोशन देखो, यहाँ पे थोड़े अच्छे से लगाना क्योंकि बहुत डार्क रीजन है, यहाँ पीछे की तरफ भी ऐसे जाएंगे। अब यहाँ पे नीचे मोटे मोटे नहीं जाएंगे, तो यहाँ पे रुक जाना ऐसे, थोड़े प्रेशर के साथ लगाना, ऐसा नहीं करना कि अभी ये समझो कि एक और लेयर है, नहीं ये फाइनल लेयर है, ऐसे भर भर के भी नहीं लगाना कि पूरे एकदम क्या कहते हैं हिटलर या जेठालाल टाइप मूछे हो जाए, उतनी भी घनी नहीं है, हल्के हल्के बाल है मूछों पे, ठीक है। तो इस तरीके से धीरे धीरे आया, ये सब नीचे की तरफ पॉइंटेड है, बस कर्व्ड है, वेव फॉर्म में है, और बहुत मोटी भी नहीं करनी है, जितनी है उस हिसाब से रखनी है अपन को। इसलिए मैं बोला फोन में खोल के देख लो, इसमें जैसे क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पीछे की तरफ थोड़ी जा रही है, यहाँ से ऐसे इस डायरेक्शन में जा रही है, ओके। और पेंसिल पूरे टाइम शार्प रखना, ठीक है। इस तरीके से मूछे वाला रीजन आया, ये जो नीचे की तरफ जा रही है ये बहुत ज्यादा ऐसे घने नहीं है, कैसे हैं, ये नीचे से ऊपर की तरफ लाते हुए थोड़े से बाल आए ऐसे,
तो यहाँ पे भी हल्के हल्के से रेंडमली जाते हुए थोड़े से लेफ्ट राइट थोड़े नीचे आए और ये ज्वाइन हो गए। तो इस तरीके से ये मूछों वाला रीजन आया। ओके, फिर इसको कुछ नहीं करना, ब्रश लो और आराम आराम से ऐसे वर्टिकली चलाओ ब्लेंड करने के लिए। इन्हें ऐसे वर्टिकली चलाया। अब थोड़े से स्ट्रोक्स आसपास भाग रहे होंगे, जैसे यहाँ देखो, यहाँ से थोड़े से ऐसे स्ट्रोक्स मैकेनिकल पेंसिल से ऊपर ऊपर की तरफ ले जाओ ताकि वो ऐसा लगे कि स्किन से निकल रहे हो। सेम चीज यहाँ पे करनी है, मैकेनिकल पेंसिल से थोड़े से ऊपर ले गए, फिर से ब्रश चला अपना ताकि वो ब्लेंड से हो जाए। ठीक है, तो ये अपनी मूछें हो जाती है। तो इतना करो,